यार फंस गया मैं, रुक जा। गाइस यहाँ पे सिर्फ महंगी बाइक से अलाउड है, हमने इनको कहा हमारी महंगी बाइक है, बोले तुम्हारी तो 70,000 रुपए की बाइक है, इसको नहीं जाने देंगे, अटक जाएगी। अरे क्रिश पर पीछे खड़ा बिना कपड़ों के मना कर रहे लेने के लिए, एंड लेट्स सी चाय वगैरह पीते हैं, थोड़ी शरीर में गर्मी आएगी, एंड पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, बस नहाएंगे और निकलते हैं। चाय भी सही है और अभी टाइम हो रहा है लगभग 9:30 और आज भी थोड़े से लेट हो ही गया प्लानिंग से, बट कोई नहीं, ठीक है निकल के देखते हैं कैसा क्या रहता है। और देखो यार आज का प्लान है बर्फ देखनी है बहुत सारी, बस अब वो देखते हैं कहाँ जाके मिलेगी। चलो क्या सर भाई, तो बाइक लेने आ गया था और मेरे को लगा था कि कॉल स्टार्ट करेंगे, बट कॉल स्टार्ट वाली वो वाली फीलिंग आएगी नहीं क्योंकि सूर्य धूप आ चुकी है और पूरी प्रॉपर अपनी बाइक पे आ रही है धूप, तो बाइक गर्म हो चुकी होगी। बट चलो चेक करते हैं, अभी टेम्परेचर बाइक शो कर रही है 13 डिग्री, बट रात को -1-2 हो गया था। ओह बहुत ईजी, एक में हो गया। चलो ये बाइक उठाते हैं और होटल चलते हैं। सो वे टुक अ वेरी गुड डिसीजन, हमने सोचा यार आगे जाए कहाँ मिलेगा ना मिले कैसा रहेगा, मगर अभी एक बारी में खा के और निकलते हैं। अभी होटल के रेस्टोरेंट में है और बढ़िया पराठे वराठे चल रहे हैं, ब्रेकफास्ट हो जाएगा सही सा। बाहर अपनी बाइक खड़ी होटल के जस्ट नीचे, सारा सामान रेडी है, जस्ट खाना खा रहे हैं और निकलते हैं सीधा, फिर एक बारी में चलेंगे यार ऊपर, दिक्कत नहीं होगी, बाद में इरिटेट हो जाते हैं खाना मिले तो। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, यार अटल टनल जब पहुंचेंगे ना, जब मनाली से निकलेंगे, जाम इतना, 12 मिनट तो सिर्फ मनाली मार्केट वार्केट है इनसे निकलने के लिए बता रहे हैं, 12 मिनट 11 मिनट। ओ भाई साहब जबरदस्त वाला जाम भाई, जबरदस्त वाला। यार यहां से ना मेरे को ले का बोर्ड दिख रहा है और ले का बोर्ड देख के ना मन ललचा जाता है कसम से, ले यार कसम से बंद नहीं होता ना, पहुंच जाता मैं, कोई बड़ी बात नहीं है भाई मेरे लिए। उस टाइम का जब ये बाढ़ आई थी ना, जब ये पूरा सब ये रोड वो टूटे पड़े हैं साइडों से, नहीं तो ये बहुत छोटा रोड था, वहां तक था ये रोड, क्या याद हो रखा है भाई। अब ये ना वो वाला पॉइंट आ चुका है जहाँ पे लिटरली मेरे को अपनी बाइक टेस्ट करनी थी, तो यही मतलब यही है यार वो पॉइंट जहाँ पे मतलब एकदम से ना इतनी, ये देखो चढ़ाई देखो आप, एक तो ऑल्टीट्यूड हाई तो बाइक को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होगी, दूसरा चढ़ाई खड़ी, तो यहाँ मतलब एक लगा लो प्रॉपर टेस्ट होएगा बाइक का। मैंने अपनी स्क्रैम चलाई है यहाँ पे पुरानी वाली मालन, और मेरे को दोनों का पता है, अब इसका देखते हैं क्या परफॉर्मेंस दे सकती है ये। ईजी था यार ये भी, ईजी था मतलब बाइक में पावर तो है यार, और सच बताऊं तो पुरानी वाली हिमालयन से बेटर ही शो कर रही है ये, ऑफ कोर्स वैसे तो ऑफ कोर्स करेगी, बट हाँ एक वो होता है ना कि हाँ कितना बेटर, तो अच्छा खासा डिफरेंस फील करवा पा रही है यार ये बाइक। अब आने वाले हैं बहुत तगड़े तगड़े हेयर पिन बैंड्स, बिल्कुल 0 पॉइंट और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई के साथ, थोड़ा तो फील हो रहा है मेरे को बाइक लोड ले रही है बट इतना भी नहीं, और बाकी साइडों में यार बर्फ़ देखो काफ़ी आई हुई है, आगे तो बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, बस सब मतलब मिल जाए पर बहुत ज़्यादा, मैं कह तो रहा हूँ मेरे को लग रहा है मिलने वाली है और मिल भी जाए। डेफिनेटली बाइक लोड तो फील कर पा रही है, साथ में यार देखो एक चीज़ और भी तो है, सामान भी बहुत सारा हो गया, टॉप बॉक्स भरा हुआ है बिल्कुल, उसके ऊपर थोड़ा सामान है एक्स्ट्रा, आगे पीछे भी सामान है ही, और साथ में पिलियन भी है मेरे, तो पिलियन के साथ ना थोड़ा तो लोड लेगी। ऑलराइट सो हियर वी आर। अच्छा लोग तो यहीं खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, इस बार पहले तो अलाउड नहीं था यार यहाँ पे खड़े होकर फोटो खिंचवाना। वी हैव अराइव्ड, तो हमारी नेविगेशन बंद हो गई है क्योंकि वी हैव अराइव्ड, अटल टनल की लगाई थी, अब इसके आगे तो राम भरोसे, देखते कहाँ जाना है।
ओहो फाइनली अभी रुके कहाँ पे यार, रुकने की तो जगह ही नहीं है। ओहो बर्फ बर्फ देख चेला, उधर जाके रुकते हैं, यहाँ तो जगह लग नहीं रही मेरे को रुकने की। भाई इतने लोग और इतनी सारी बर्फ। The very first time of our bike in the Atal tunnel and what different लगी यार, आज तो बहुत ही लंबी लगी, खत्म ही नहीं हो रही थी। क्रिश भी कह रहा भाई खत्म ही नहीं हो रही, क्या हो गया ना भाई, क्रिश सो गया पीछे बैठा बैठा। So we have decided not to waste time, क्योंकि एक तो धूप भी है ना तो ढंग की फोटो आएंगी और भीड़ इतनी ज़्यादा है इसमें मन भी नहीं करता। तो अब यहाँ से दो रास्ते हो गए हैं अपने, मन करता है कोकसर भी चले जाएं, उधर भी काफ़ी बर्फ है बता रहे हैं लोग, बट कोकसर ये है कि इजी है जा सकते हैं। अभी हमारा गोल कुछ बड़ा है वो देख लेते हैं, अगर वो हो पाता है तो बेस्ट है भाई। लिटरली बताऊँ तो एकदम से ना हवा बर्फीली हो गया, बिल्कुल ठंडी नहीं है, मतलब एक वो जबरदस्त ठंडी वाली और वो एक रिफ्रेशिंग सी हवा होती है ना वो लग रही है एकदम मुंह पे। अब वाइजर बंद करके चलाना पड़ेगा, पर बहुत अच्छी लग रही है यार, मुंह पे लग रही है ना, मजा आ रहा है। किलोंग नहीं, हाँ किलोंग में ही है, एंड दिस इज द लास्ट फीलिंग पॉइंट। उधर जा, रुक जाओ छोड़ना एक बार, हाँ बस 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 ठीक है बहुत है। माइलेज देखते हैं क्या कुछ आ रही है अब पहाड़ों में। इतनी बाइक चली है डिवाइडेड बाय 1161 26.927 लगा लो तो 27 की माइलेज अभी तक दे रही है, ठीक है, अच्छी तो नहीं है बट ठीक है। सो आई डोंट नो अभी तक आपने नोटिस किया है या नहीं, बट ये माउंटेंस देखो यार, एकदम सूखे ड्राई माउंटेन स्टार्ट हो चुके हैं अपने लेह वाले, जस्ट बिकॉज हम जो लद्दाख रीजन है उसके बहुत पास हैं, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट हो ही जाता लगभग अटल टनल के बाद से एकदम सूखे सूखे पहाड़। और अभी काफ़ी आगे आ चुके हैं यार, पता नहीं दारचा रह गया लगभग 25 किलोमीटर यहाँ से, 25-26 ऐसा ही कुछ बचा हुआ है, दारचा में जाके देखते हैं आगे क्या करना है। पैर फंस गया मेरा, रुक जा, बस 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 खड़ा भी तो नहीं आ जा रहा इस सरफेस पे। साहब इसको बोलते हैं अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना, मतलब बिल्कुल नहीं समझ में आया मेरे को। एक्चुअली वाइजर लगाया हुआ था, सन वाला जो वाइजर होता है ना, और पता ही नहीं चला कि बर्फ है मतलब स्नो है या फिर आइस है, और गलती से मैं मतलब बाई चांस यहाँ पर साइड में रुक रहा था, देखो ये मैं वहाँ से आता और साइड में रुक ही रहा था और बाई चांस ये आइस निकली और इसमें मैंने पैर रख दिया, और पैर रखते ही तो एकदम से भाई पता ही चला सीधा ही क्रिश नींदों में था, क्रिश भी एकदम से होश उड़ गया सबके। उधर से भाई आए, दो भाई आए, उन्होंने बाइक उठवाई, वो तो आपने देख लिया होगा क्लिप में, पर भाई हद ही होगी। टाइम हो रहा है अभी शाम के, नहीं दोपहर के 2:40 शाम लग रही है, क्योंकि इतना मौसम ऐसा हो रहा है ना, और जो मैं कह रहा था ना बहुत बड़े की वेट है अभी, बहुत बड़ी कहीं पे जाना है और वो सारा प्लान हो चुका है चौपट, क्योंकि हमारा प्लान था यार शिंखला जाने का टू बी ऑनेस्ट, और ये शिंखला का रास्ता पीछे इधर से आए थे और ये चेक पोस्ट दारचा वाला, एंड वही हुआ जिसकी मतलब मेरे को लग रहा डर था,
और इन्होंने मना कर दिया जाने के लिए कि आगे बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। ये भी आए थे शायद, अभी इनको भी मना कर दिया है। अब कोई नहीं यार, आगे देखते हैं, वापसी चलते हैं, कोकसर में चलते हैं, बर्फ़ बर्फ के मज़े लेंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पे सिर्फ महंगी बाइक से अलाउड है, हमने इनको कहा हमारी महंगी बाइक है, बोले तुम्हारे तो 70,000 रुपये की बाइक है, इसको नहीं जाने देंगे, अटक जाएगी। ये गाइस इन्हें महंगी बाइक नहीं लग रहे हैं, ये बोले ऊपर पिज्जा पुज्जा देने जाना है क्या? कोई बात नहीं गाइस, अभी कोकसर में मज़े लेते हैं, छोड़ो इनको। पर ठीक है, मन छोटा नहीं करते हैं, फटाफट से अब जितना मैक्सिमम हो सकता है स्पीड से चलते हैं कोकसर, एंड वहाँ देखते हैं क्या कुछ सीन बन सकता है। यार सही से बताऊँ, यू टर्न लेना ना मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग सा हो गया मेरे लिए, मेरे लिए क्या हम दोनों के लिए ही, एंड मतलब समझ में नहीं आ रहा यार, इतना प्लान, इतना सोच के, इतनी जुगाड़ तुगाड़ लगा के गए थे यार, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं बन पाया, वो लोग माने ही नहीं। मैंने बोला मैं कहा यार ऐसे तो कोई दिक्कत होनी चाहिए अटकने की, बाइक है, बाइक तो कहीं अटकती नहीं है, बट ठीक है वो नहीं माने भाई। बात ऐसी है कि हाथ जमने लगे थे तो इसलिए रुकना पड़ा। ओह भाई हवा कितनी तेज़ हवा चल रही है, और दूसरी दिक्कत अपने साथ अभी अभी हुई है कि पैरों में ना क्रैम्प पड़ने लग गए हैं बहुत गंदे वाले। बाइक में 4 डिग्री मतलब माइनस में है, और काव्स में ना, काव्स मतलब पता ही होंगी घुटने के नीचे पीछे वाली मसल्स में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द बता नहीं सकता, बस बैठ जा। और बर्फ देखो कितनी ज़बरदस्त, और कितने ह्यूज और माइटी माउंटेन्स है सारे चारों तरफ। तो भाई सब ने बर्फ़ देख ली, हम ही नहीं देख पाए, सिर्फ अभी सिर्फ इसी टाइम जिस पर्टिकुलर टाइम पे हम पहुँचे ना, ये अभी जनवरी 9-10 जनवरी अभी बर्फ़ नहीं है, नहीं तो यार दिसंबर में भी बर्फ़ थी, दिसंबर एंड तक भी बर्फ़ थी, अभी अभी हटी है बस। अक्सर भाई यकीन नहीं रहा आज पहुँच जाएंगे, पहुँच गए यार, तो बस बढ़िया स्पॉट ढूंढना बर्फ़ का, कहाँ मिलेगी पता नहीं। यार मना कर दिया पुलिस वाले ने, बिल्कुल स्ट्रेट मना कर दिया कि बिल्कुल नहीं जाना, बाइक छोड़ो पैदल भी नहीं जाना, वापस आने का टाइम है, ये जाने का नहीं है। दिमाग खराब कर दिया भाई कसम से। देखो और ये अपनी बाइक, एंड ये रे भाई हम लिटरली बर्फ तो मिल गई, आइस स्नो वाली मिली है, स्नो आइस मतलब कैसे बताऊँ, अजीब सी गंदी जमी हुई है आइस की तरह, देखो वो वाला मज़ा नहीं है जो ऐसे पैर रखते ही ऐसे मस्त स्मूथ, पर ठीक है कुछ तो मिल रहा है। नींद हमें तो लगा था, उम्मीद छोड़ दी भाई बर्फ़ बुरफ की, सच बता रहा हूँ। और ये देखो ऐसा कुछ आस पास, ठीक है यार ठीक, कोई बात नहीं, कभी निराश नहीं होना चाहिए, जो मिले उतने में खुश, हाँ बिल्कुल ना मिले तो दुखी होना चाहिए, पर चलो कुछ तो मिल गया तो ठीक है। ओह माय माय, जस्ट लुक एट दिस व्यू, सनसेट हो रहा है वहाँ प्यारा सा, और ये देखो नदी, यार सुकून है भाई, और ये देखो प्यारा सा कुत्ता यार, ये तब से बर्फ में खेल रहा है हमारे साथ ही, और नदी में भाई कितना सही है यार, तेरा ठंडी लग रही इधर को, हमें लग रही है बहुत ज़्यादा, एंड बहुत सुकून से रील्स एंड फोटोज वगैरह हो गई हैं, अब कुछ करते हैं पैक और निकलते हैं, एटलीस्ट कुछ तो खेलिए बर्फ में। देखो अपनी पहली ही ट्रिप पे अपनी बाइक के मीटर में -1 का आ चुका है भाई, सिंपल अचीवमेंट भाई, अचीवमेंट फाइनली, मैं सोच ही रहा था -1 कब आएगा। आ चुका है, और अब हालत तो ये ख़राब हो रही है, मनाली तक कैसे पहुँचेंगे, कम से कम 1-1.5 घंटे का रास्ता है, 2 भी हो जाए। भाई खाने के बाद मस्त मीठा हो गया, और अभी मॉल रोड पे आए थे, अभी ये ख़त्म करता हूँ फिर बताता हूँ स्टोरी।
Alright, so good morning everybody. तो कल का दिन इतना ज़्यादा hectic हो गया ना कि कुछ समझ में नहीं आया. एंड अभी जस्ट सो के उठे हैं. कल रात को जस्ट मनाली पहुंचे थे और पहुंचने के बाद बस गिर गए भाई रूम में. कुछ समझ में नहीं आया. थोड़ी बहुत हिम्मत करके मार्केट गए, खाना वाना खाया और खाना इतना खा लिया ना बिल्कुल लगा लो गले तक भर गया पेट. और इतना खाना खाने के बाद तो वैसे ही नहीं ला गया. ऊपर से थके इतने गए थे, पैरों में दर्द हो रहा था. मतलब इन शॉर्ट लग गए थे कल तो बिल्कुल ही. बस फिर रूम में आए और ऐसे सोए कि समझ में नहीं आया. और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11 और बहुत लेट हो गया है. मैं हमारा प्लान था सुबह 7-8 बजे निकलने का, अब 11 बज चुके हैं. बट कोई नहीं, अब निकलेंगे बट वो होगा नेक्स्ट व्लॉग में. तो रखते इस व्लॉग को इतना ही. आई एंजॉयड द वीडियो और इफ़ यू डिड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो. मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी. बाय बाय.